सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ खास, क्योंकि आप सभी को पता होगा और देखने को मिला होगा कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच हो चुकी है बिग कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का कारण आपको पता है कि संदीप महेश्वरी ने बिग स्कैम एक्सपोज्ड 8 दिन पहले ये वीडियो डाली थी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, विवेक बिंद्रा कूद पड़े इस कॉन्ट्रोवर्सी में, क्योंकि उन्हें लगा कि जो संदीप महेश्वरी ने वीडियो बनाई है वो उनके खिलाफ भी बनाई है, क्योंकि उनको लगता है कि वो स्कैम कर रहे हैं। इसलिए आपस में दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाने गए, और आपको पता है इनकी ब्रांड वैल्यू और इनके सब्सक्राइबर कितने हैं, तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। वहीं पर बात करें, यहां पर लक्ष्य चौधरी ने भी एक वीडियो अपने यहां पर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने अपनी राय दी है संदीप महेश्वरी को लेकर और विवेक बिंद्रा को लेकर। ज्यादा तो उन्होंने संदीप महेश्वरी के खिलाफ ही बोला है, जरा सुनिए ये क्लिप। हम दो कितने खोखले लोगों से मोटिवेशन ले, मेरे से चाहे सैंडी भाई के फैंस ओफेंड हो जाना, चाहे मेरे से विक्की भाई के, विक्की भाई के हैं भाई। सैंडी भाई तो ऐसे हैं, पहले प्रखर के साथ हुआ, उसके लिए इतने सॉरी उन्होंने स्टोरी डाल दी, वो फेक झंडे वाली चीज डाल दी थी उसकी। सैंडी भाई ने अपने कम्युनिटी पर डाल दी थी, इतने लंबे लंबे लिखकर उसके झंडे वाली चीज की चैंपियन कैसे पी सके झंडा पीछे डाल के, जबकि वो एक वहां पे कल्चर। सैंडी भाई पे एक लेजिट रिप्लाई वीडियो नहीं बन पा रही थी उसके अगेंस्ट, तो भाई ने सैंडी भाई हमेशा देश की और ये बड़ी बड़े इनकी आड़ लेते हैं एकदम लोगों की, कि मैं तो लोगों के साथ हूँ, मैं तो देश के साथ हूँ, देश के खिलाफ बोल दिया। सेम फिर कैरी मिनाटे के साथ यही करा, अपना पार्ट कटवा दिया, आप पैरडी भी नहीं ले सकते। और विक्की भाई का तो है ही बढ़िया, MLM चल रही थी चुप आसान है। हाँ जी, लोगों को फुद्दू बनाना आसान है। मतलब मुझे तो बहुत सारी बातें बता दो कि मैं नहीं बता सकता उनके कैमरे, और अच्छा भी नहीं है, ठीक है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ नहीं बोलना। तो जैसे कि साथियों, आपने देख लिया कि लक्ष्य चौधरी का क्या ओपिनियन है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या लक्ष्य चौधरी सही बोल रहे हैं, या आपको क्या लगता है इनमें से कौन सही है और कौन गलत है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। और हाँ भाई, ये बात तो है, मार्केट में स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए स्कैम से बच के रहना भाइयों। कोई भी काम करो अच्छे से करो, किसी भी चीज़ में फंस मत जाना, नहीं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा।